गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन रिक्शिया के अंदर। नाउ रिक्शिया जो है इट इज़ होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक, दोनों तरह का होता है। होमोथैलिक मतलब कि एंथ्रीडिया जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया दोनों एक ही थैलस के ऊपर पाए जाते हैं, तो वो स्पीशीज तो कहलाती है होमोथैलिक, लाइक रिक्शिया ग्लाउका। एंड हेट्रोथैलिक जो होता है उसके अंदर इट इज़ डायोशियस, मतलब इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो दे डेवलप सेपरेटली ऑन डिफरेंट थैलाई, मतलब वो अलग अलग थैलस के ऊपर पाए जाते हैं। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडिया एंड फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनिया। दोनों स्ट्रक्चर्स का जो डेवलपमेंट होता है वो डॉर्सल साइड पर होता है, रिक्शिया के थैलस के डॉर्सल सरफेस के ऊपर इनका डेवलपमेंट या विकास होता है। तो पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। नाउ एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट होता है इट अकर्स फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल जिसको कि एंथ्रीडियल सेल कहते हैं, और वो डॉर्सल साइड थैलस की डॉर्सल साइड पर पाई जाती है। एंड इट इज़ अबाउट 2 से 3 कोशिकाएँ अवे फ्रॉम एपिकल सेल, एपिकल सेल से 2 से 3 कोशिकाएँ नीचे की तरफ ये पाई जाती है। एंथ्रीडियल इनिशियल जो होती है वो साइज़ में बड़ी हो जाती है, इसके इट बिकम्स पेपिलेट, पेपिलेट मतलब इसके ऊपर एक छोटी सी बीक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। एंड इसके अंदर सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक डिवीजन होता है और 2 कोशिकाएँ कटती है, एक बाहर की तरफ ऊपर की तरफ जो कोशिका कटती है उसको आउटर सेल बोलते हैं, एंड नीचे की तरफ जो कटती है उसको बोलते हैं लोअर बेसल सेल। बेसल सेल जो होती है इट रिमेन्स एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ थैलस, मतलब कि वो जो थैलस की जो कोशिकाएं होती है दूसरी उनके अंदर धसी हुई रहती है, एंड ऊपर वाली बाकी का जो डिवीजन होता है, डेवलपमेंट होता है एंथ्रीडिया का, वो ऊपर वाली कोशिका के द्वारा होता है। नाउ जो आउटर सेल होती है वो आउटर सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करके इट डिवाइड्स दिस आउटर सेल जो होती है इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड डिवाइड कर करके ये 4 सेल्स बनाती है। ये चारों सेल दे फॉर्म फिलामेंट ऑफ द एंथ्रीडिया, एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अपर जो 2 सेल्स होती हैं, अपर 2 सेल्स ऑफ द फिलामेंट, 4 सेल फिलामेंट जो होती हैं वो कहलाती है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, और नीचे वाली जो 2 सेल्स होती हैं वो कहलाती है प्राइमरी स्टॉक सेल। नाउ प्राइमरी स्टॉक सेल जो होती है वो जैसा नाम बता रहा है स्टॉक सेल, तो वो एंथ्रीडिया के स्टॉक का या जो उसकी एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका निर्माण करती है। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो होती है वो डिवाइड करती है बाय सक्सेसिव 2 वर्टिकल डिविजन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, 2 वर्टिकल डिविजन्स मतलब एट लॉन्गिट्यूडनल एट 90 डिग्री एंगल पर 2 डिविजन होते हैं इनके अंदर, और ये 2 डिविजन वर्टिकल होंगे तो कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनती है। 2 टायर्स ऑफ 4 सेल्स बनेंगी, ये 2 टायर्स जो 4 सेल्स के बनते हैं ये चारों सेल्स के ऊपर वाला टायर जो होता है उनके अंदर फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। एंड पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल मतलब परिधि के अलोंग, परिधि के पैरेलल वो डिवीजन होता है। एंड इस तरह से दोनों टायर्स के अंदर बोथ द टायर्स ऑफ 4 सेल्स बनते हैं, 2 टायर्स बन जाते हैं 4-4 कोशिकाओं के। ये 4-4 कोशिकाओं के जो 2 टायर्स बनेंगे उनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होएगा, एक सेल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होएगा तो 2 बनेगा, तो 4 × 2 कितना हुआ 8, तो 8 सेल्स के 2 टायर्स बने। बाहर वाली जो 8 सेल्स होती हैं, आउटर टायर की जो 8 सेल्स होती हैं वो तो जैकेट इनिशियल का निर्माण करती है, एंड अंदर वाली जो 8 सेल्स होती है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है। जैकेट इनिशियल जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती है एंटीक्लाइनल डिवीजन से। इस डायग्राम में देखो आप, इनके अंदर एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल मतलब कि एट राइट एंगल्स इनके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, और दे फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ एंथ्रीडियल जैकेट, एंथ्रीडियल जैकेट की एक सिंगल लेयर बनाती हैं। नाउ प्राइमरी, इसके अंदर जैकेट के अंदर होती है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स,
ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स के अंदर फिर रिपीटेड डिविजन्स होता है, इरेगुलर रिपीटेड डिविजन होएगा इरेगुलरली सेवरल टाइम्स ट्रांसवर्सली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल एंड एट राइट एंगल्स डिविजन होता है, जिसके कारण क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबिकल एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाती है, इनडेफिनेट नंबर की छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती है जिनको बोलते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। तो ये एंड्रोगोनियल सेल्स जो होती हैं, ये दीज एंड्रोगोनियल सेल्स दे आर ऑल्सो नोन एज, इनको एंड्रोसाइट मदर सेल के नाम से भी बुलाते हैं। देन ईच एंड्रोसाइट मदर सेल, हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल जो होती है वो एंथ्रेजॉइट का निर्माण करती है, और जो प्रक्रिया जिसके द्वारा एंड्रोसाइट मदर सेल एंथ्रेजॉइट का निर्माण करती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है ये कुछ मिनटों में ही कंप्लीट हो जाता है, इट कंप्लीट्स विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के अंदर ही पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है हर एक एंड्रोगोनियल मदर सेल। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, ईच एंड्रोसाइट मदर सेल, हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल जो होती है ये डिवाइड्स बाय डायगोनल माइटोटिक डिवीजन। डायगोनल मतलब कि फ्रॉम वन एंड टू अदर इट इज समवॉट नॉट हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, आप कह सकते हो कि दो अपोजिट एंड्स आपस में कनेक्ट कर करके डिवाइड होता है एंड माइटोटिक डिवीजन होता है। तो क्या होएगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, हाफ नहीं होता, जितने पेरेंट के अंदर है उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। तो डायगोनल डिवीजन होता है, और डायगोनल डिवीजन के कारण क्या होएगा, दो ट्रायंगुलर सेल्स बनती है, जो डॉटर सेल्स जो बनेंगी वो तिकोनी होती है, ट्रायंगुलर होती हैं, एंड इन डॉटर सेल्स को बोलते हैं एंड्रोसाइट्स। दोनों एंड्रोसाइट्स दे रिमेन एनक्लोज्ड इन वॉल ऑफ एंड्रोसाइट मदर सेल विद वन सेपरेट वॉल, ये दोनों की दोनों जो ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट्स बनते हैं, ये ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट सेल्स जो होती हैं एंड्रोसाइट मदर सेल की कॉमन वॉल के अंदर ये एनक्लोज्ड होती हैं, अब उसके अंदर रहती हैं, अलग नहीं होती हैं ये। ईच एंड्रोसाइट हैज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। नाउ अगर हम हर एक एंड्रोसाइट का स्ट्रक्चर देखें, संरचना देखें, तो हर एक एंड्रोसाइट के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ग्रेन्यूल पाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्लिफेरोब्लास्ट। ठीक है, नाउ दिस ब्लिफेरोब्लास्ट इट लाइज नियर द पेरिफ्री ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये जो ब्लिफेरोब्लास्ट होता है ये प्रोटोप्लास्ट के परिधि पर पाया जाता है, एंड ये ब्लिफेरोप्लास्ट क्या होता है, इट इलोंगेट्स, ये लंबा होता है, इलोंगेट होता है, एंड इट फॉर्म्स अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबी सी कॉर्ड का निर्माण करता है, विच ऑक्यूपाइज अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ द एंड्रोसाइट, जो एंड्रोसाइट का करीबन 2/3 हिस्सा ऑक्यूपाई करता है या रोक लेता है। फिर इस इसके अंदर फिर क्या होता है, साइमल्टेनियसली इसी दौरान न्यूक्लियस ऑल्सो बिकम्स क्रीसेंट शेप, जो एंड्रोसाइट होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है क्रीसेंट शेप हो जाता है, इट बिकम्स होमोजीनस एंड अल्टीमेटली इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ब्लिफेरोप्लास्ट, और ये न्यूक्लियस जो होता है ब्लिफेरोप्लास्ट के करीब आ जाता है। फिर ये जो ब्लिफेरोप्लास्ट जो होता है धीरे धीरे टू फ्लैजिला दे डेवलप फ्रॉम थिकंड एंड ऑफ द ब्लिफेरोप्लास्ट, ये ब्लिफेरोप्लास्ट जो होता है इसकी अनइवन थिकनिंग होती है, मतलब हर जगह से ये समानांतर मोटाई का नहीं होता है, एंड इसका जो थिकंड एंड होता है जो मोटा वाला एंड होता है वहाँ से दो फ्लैजिला डेवलप होते हैं, दो फ्लैजिला बनते हैं। इन दोनों फ्लैजिला के नीचे थोड़ा सा पोर्शन साइटोप्लाज्म का चला जाता है, एंड ये फ्लैजिला जो होते हैं अल्टीमेटली दे रिमेन अटैच्ड टू द पोस्टीरियर पार्ट, जो पश्च भाग होता है एंथ्रेजॉइड का उसके ऊपर ये फ्लैजिला अटैच्ड रहते हैं, एंड अल्टीमेटली हर एक एंड्रोसाइट जो होता है इस तरह से एक एंथ्रेजॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एंथ्रेजॉइड जो हम देखते हैं
मैच्योर एंथ्रेजॉइड जो हम देखते हैं, तो ये जो एंथ्रेजॉइड होता है ये यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रक होता है इसके अंदर, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, बाईफ्लैजिलेट होता है एंड कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर मतलब कि ये इस तरह से इस शेप का होता है, बिल्कुल नॉट गोल लेकिन लाइक अ स्प्रिंग जैसे कॉइल होती है वैसे इट इज़ कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये। एंड इसके जो एंथ्रेजॉइड्स जो फ्लैजिला होते हैं, ये फ्लैजिला दे आर अटैच्ड ऑन इट्स पोस्टीरियर पार्ट या इसके पश्च भाग पर ये फ्लैजिला अटैच्ड होते हैं। दोनों फ्लैजिला अगर हम बाहर से देखें तो दे रिजेंबल मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से तो दोनों फ्लैजिला एक से दिखाई देते हैं लेकिन इनका फंक्शन जो होता है, इनका कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है। एक फ्लैजिला इट सर्व्स फॉर प्रोपल्शन, प्रोपल्शन मतलब कि ये वाइब्रेट करता है एंड ये इसके मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है, मतलब आगे मूव करने के अंदर उसको मदद करता है एंथ्रेजॉइड को। जो दूसरा फ्लैजिला होता है वो गोल गोल रोटेट करता है एंड एंथ्रेजॉइड की दिशा को, डायरेक्शन को चेंज करने के अंदर वो मदद करता है। देन जब ये एंथ्रेजॉइड्स इसके अंदर एंथ्रीडियम में बन जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, जो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडियम होता है उसका, ये एंथ्रीडियम एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर पाया जाता है एंड ये एंथ्रीडियल चैम्बर जो होता है ये थैलस की डॉर्सल सरफेस के ऊपर पाया जाता है एंड इट ओपन्स ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस बाई अ स्मॉल ओपनिंग, छोटी सी एक पोल लाइक स्ट्रक्चर से डॉर्सल सरफेस पर ये छिद्र जैसे स्ट्रक्चर से ये खुलता है। नाउ क्या होता है, ये जो एंथ्रीडियम होता है, ये एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर जो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडियम होता है, वो एंथ्रीडियल चैम्बर की वॉल्स वाटर एब्जॉर्ब करती है। वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण ये एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर वाटर एंटर करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के कारण फूल जाती है एंड क्या होएगा, एंथ्रीडियल जैकेट जो होएगी, क्योंकि कोशिकाएं फूल जाएगी, फूल जाने से ये टूट जाती हैं, टूट जाने से क्या होएगा, वो ओपनिंग जो होती है वो खुल जाती है, बड़ी हो जाती है एंड जितना भी मास इस चैम्बर के अंदर होता है, मास जितना भी एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर होता है सारा मास बाहर आ जाता है। उसके साथ में एंथ्रेजॉइड्स इसके अंदर होते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर, वो भी बाहर निकलकर आ जाते हैं, पानी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। नाउ डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मादा जननांग का डेवलपमेंट। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको आर्किगोनिया बोलते हैं। आर्किगोनिया भी थैलस की डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है। ये सिंगल सुपरफिशियल सेल जैसे एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है वैसे ही आर्किगोनिया का भी डेवलपमेंट होता है। सिंगल आर्किगोनियल इनिशियल से इसका डेवलपमेंट होता है। आर्किगोनियल इनिशियल जो होती है वो डॉर्सल साइड पर पाई जाती है थैलस की एंड दिस आर्किगोनियल इनिशियल क्या होता है, शुरुआत में बड़ी होती है साइज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू इसकी सराउंडिंग सेल्स के कंपेरिजन में, ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है। एक इसके ऊपर पेपिला लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है और सबसे पहले इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होने से एक सेल के अंदर दो कोशिकाएं बनेगी, नीचे वाली कहलाती है बेसल सेल और ऊपर वाली कहलाती है आउटर सेल या बाह्य कोशिका। इसके बाद में क्या होता है, जो बेसल सेल जो होती है, जो नीचे वाली सेल होती है वो तो आगे डिवाइड नहीं करती है एंड इट फॉर्म्स द एम्बेडेड पोर्शन ऑफ द आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का जो थैलस के अंदर धसा हुआ वाला पोर्शन होता है उसका वो निर्माण करती है। फिर पूरा का पूरा एंटायर आर्किगोनिया का, जितने भी आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है पूरा का पूरा आउटर सेल से होता है या ऊपर वाली कोशिका से होता है। तो ये आउटर सेल जो होती है इसके अंदर तीन सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं बाई इंटरसेक्टिव वॉल्स, दे डिवाइड पेरिक्लाइनली, वर्टिकल वॉल से डिवाइड होता है एंड तीन डिविजन्स होने से क्या होएगा, तीन पेरिफेरल इनिशियल्स बनते हैं, एक मीडियन सेल बनती है और एक प्राइमरी एक्सियल सेल बनती है। तीन पेरिफेरल इनिशियल्स जो होते हैं वो एंटीक्लाइनल वर्टिकल डिविजन्स होते हैं और ये दो सेल्स बनाती है, प्राइमरी एक्सियल सेल विच सराउंड्स, विच इज सराउंडेड बाई सिक्स सेल्स
एंड दीज सेल्स, ये सेल्स आगे चल के जैकेट इनिशियल्स का निर्माण करती है। तो 6 जैकेट इनिशियल सेल्स होती हैं, ये डिवाइड करती है ट्रांसवर्सली, और ये डिवाइड करके क्या करेंगी, अपर 6 सेल्स होती है वो तो नेक इनिशियल टायर का निर्माण करती है, लोअर सेल्स जो होती है वेंटर इनिशियल टायर का निर्माण करती हैं। नेक इनिशियल टायर की जो सेल्स होती है वो डिवाइड करती है ट्रांसवर्स डिवीजन से और एक ट्यूब लाइक नेक का निर्माण कर देती है। तो इस तरह से जो आर्किगोनिया की नेक होती है उसके अंदर 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स होती हैं, हर एक रो के अंदर 6 से 9 सेल्स होती हैं, ठीक है। और वेंटर इनिशियल टायर जो होता है उसकी सेल्स भी डिवाइड करती है बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिविजन्स एंड एक सिंगल लेयर ऑफ स्वोलन वेंटर का निर्माण करती है। साइमल्टेनियसली इसी दौरान प्राइमरी एक्सियल सेल्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं और वो भी ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है एंड दे डिवाइड अनइक्वली। ट्रांसवर्स डिवीजन तो होता है लेकिन अनइक्वल होता है, और अनइक्वल होने से क्या होता है, एक अपर छोटी से ऊपर प्राइमरी कवर सेल बनती है एंड नीचे लार्ज लोअर सेंट्रल सेल बनती है। जो सेंट्रल सेल होती है वो डिवाइड करती है इनटू एन अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड लोअर वेंटर सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो होती है वो डिवाइड करती है बाय सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स डिविजन्स टू फॉर्म 4 नेक कैनाल सेल्स, वो 4 नेक कैनाल सेल्स का निर्माण करती है। प्राइमरी वेंटर सेल डिवाइड करती है एक बार और फॉर्म करती है एक स्मॉल वेंटर कैनाल सेल और एक बड़ा सा एग। नाउ प्राइमरी कवर सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती है बाय 2 वर्टिकल डिविजन्स एट राइट एंगल्स टू वन अनदर फॉर्मिंग 4 कवर सेल्स विच फॉर्म माउथ ऑफ द आर्किगोनियम। नाउ मैच्योर आर्किगोनियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक आर्किगोनियम जो होता है फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है जो कि थैलस के साथ में अटैच्ड होता है बाय अ शॉर्ट स्टॉक, एक छोटी सी स्टॉक के द्वारा थैलस से अटैच्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अपर इलोंगेटेड स्लेंडर नेक, इसके ऊपर एक लंबी सी पतली सी नेक होती है और बेसल एक गोल बेस के ऊपर एक ग्लोबुलर पोर्शन होता है जिसको वेंटर बोलते हैं। नेक के अंदर 6 वर्टिकल रोज ईच एनक्लोजिंग 4 नेक कैनाल सेल्स होती है और वेंटर जो होता है वो सिंगल लेयर जैकेट होती है इसके चारों ओर एंड 12 टू 20 सेल्स इन पेरीमीटर एनक्लोज अ स्मॉल, और इसके अंदर एक स्मॉल वेंटर कैनाल सेल और एक बड़ा सा नेक पाया जाता है। 4 कवर सेल्स होती हैं ऑन द टॉप ऑफ नेक, नेक के आर्किगोनिया की नेक के ऊपर 4 कवर सेल्स, ये देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर 4 कवर सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तो ये कवर सेल्स जो होती हैं ये थोड़ी दूर हो जाती है, ओपनिंग आर्किगोनियल चैम्बर जो होता है वो ओपन हो जाता है, नेक कैना सेल्स जो होती है वो दूर दूर हो जाती हैं, पूरा एक पैसेज टाइप बन जाता है एंड एंथ्रेजॉइड्स इस थ्रू कवर सेल्स के दूर होने के कारण इस पैसेज के थ्रू एंटर करके वेंटर के अंदर एंटर करता है एंड एंटर करके एग तक पहुंचता है। बहुत सारे एंथ्रेजॉइड्स अंदर एंटर करते हैं लेकिन एक एंथ्रेजॉइड इट फ्यूजेस विद एंथर एंड इट फॉर्म्स जाइगोट, ठीक है। तो ये हम आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी सिंपल डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आर्किगोनिया का कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या उसकी संरचना होती है, इसके बारे में हमने बताया, ठीक है। नाउ कल हम पढ़ेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है एंड आगे कैसे डेवलपमेंट होता है। ओके।